दोस्तों वेलकम टू पावर एस, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हमारे साथ है इंडिया की मोस्ट सेफेस्ट ऑफ रोड एसयूवी और ये है दी ऑल न्यू महिंद्रा थार। महिंद्रा थार को इंडिया में लॉन्च किया गया था 2nd of October को और अभी तक इस गाड़ी की 20,000 से ज़्यादा बुकिंग्स हो चुकी है। अभी के टाइम में इस गाड़ी की 6 महीने से ज़्यादा वेटिंग पीरियड चल रहा है। इस गाड़ी को ग्लोबल NCAP ने अपनी क्रैश टेस्ट में टेस्ट किया है इस गाड़ी का और जर्मनी में किया गया था इसका टेस्ट, जहां इसको 4 स्टार की NCAP रेटिंग मिली है अडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए। वहीं अगर आप बात करेंगे जीप रैंगलर की तो उसको 3 स्टार की रेटिंग मिली है ऑस्ट्रेलियन NCAP में। तो 3 स्टार और ये 4 स्टार तो ये ज़्यादा एक सेफर SUV साबित हो चुकी है ऑफ रोडिंग के मामले में। इस गाड़ी की अगर आप डिज़ाइन की बात करेंगे तो इसमें आपको एक आइकॉनिक और एक लेजेंडरी आइडेंटिटी मिलती है स्टार्टिंग से ही, चाहे बात कर लीजिए इसके फ्रंट के लुक की। जब इसको फर्स्ट टाइम इंडिया में लाया गया था तो हम कह रहे थे कि ये जीप रैंगलर से डिज़ाइन लेके आती है, बट सेफ्टी के मामले में ये जीप रैंगलर को पीछे छोड़ चुकी है। फ्रंट से आपको वही आइकॉनिक और एक रेट्रो डिज़ाइन मिलता है। महिंद्रा की ट्रेडिशनल आपको स्लैट्स ग्रिल मिलती है, महिंद्रा की काफ़ी बड़ी बैजिंग, आइकॉनिक आपको रेट्रो डिज़ाइन में सर्कुलर हेडलैम्प्स मिलते हैं। फ्रंट का लुक काफ़ी बल्कि काफ़ी बीफ्ड आउट देखने को मिलेगा। इस गाड़ी का जो अप्रोच एंगल है ये आपको 41 डिग्री का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस गाड़ी को बनाया गया है। बट महिंद्रा ने इस गाड़ी को कम्फर्ट और कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए भी बनाया है, इसीलिए इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन दे रही है महिंद्रा। ये अभी इंडिया में 2 इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। पहला है इसका 2.2 लीटर का MHawk 130 हॉर्स पावर का डीजल इंजन जो कि आज हमारे साथ है और इसमें आपको 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। जो दूसरा इंजन ऑप्शन है वो महिंद्रा थोड़ा आउट ऑफ द लीक जाके सोचा है, 2 लीटर का M Stallion सीरीज का पेट्रोल इंजन 150 BHP देता है और जिसका टॉर्क है ये 300 Nm का टॉर्क है और ऑटोमेटिक में 320 Nm का मैक्सिमम टॉर्क देता है। गाड़ी की जो साइड की प्रोफाइल है ये अगेन आपको काफ़ी बॉक्सी देखने को मिलेगी, काफ़ी आइकॉनिक और काफ़ी बोल्ड और मस्कुलर डिज़ाइन मिलेगा। ट्रेपेजॉइडल थीम जो इसमें देखने को मिल रही है महिंद्रा थार के साथ, ये आपको कहीं ना कहीं जीप रैंगलर की याद दिलाते हैं। वहीं अगर आप टायर साइज़ की बात करें तो 255/65 रेडियल 18 का टायर मिलता है। ये इसका टॉप मॉडल है LX में डीजल ऑटोमेटिक और इसकी कीमत है एक शोरूम 13,75,000 ₹13.75 लाख। ऑन रोड ये गाड़ी लगभग 15 से 16 लाख के आसपास जाती है। साइड में आपको फुट स्टेप इसमें देखने को मिलता है जो कि अगेन काफ़ी ज़रूरी है इतनी ऊंची गाड़ियों के साथ और ये अपना पर्पस काफ़ी इजीली सॉल्व करता है। अब हम चलते हैं इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की ओर, तो इसमें आपको 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा जो अगेन काफ़ी ज़्यादा है। जो आपको इसमें व्हील ट्रेवल देखने को मिलता है सस्पेंशन का, ये भी आपको 235 mm से थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलता है और काफ़ी ईजिली ये आपको बम्पी रोड्स में या फिर काफ़ी ऑफ रोड टेरेन्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। कहीं पे भी आपका सस्पेंशन ऐसा नहीं है कि वो बैक्ड आउट हो गया है या फिर उसका ट्रैवल ख़त्म हो चुका है। गाड़ी की अगर आप रियर प्रोफाइल की बात करेंगे तो रियर प्रोफाइल आपको अगेन वही बॉक्सी डिज़ाइन, एक मस्कुलर, एक रेट्रो थीम के साथ साथ एक अलग ही डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको फुल LED सेटअप देखने को मिलता है टेल लैम्प्स में। जो आप इसका रूफ टॉप देख रहे हैं, ये रूफ टॉप इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आपको कन्वर्टिबल का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको एक फैब्रिक मिलेगा जिसको आप मैकेनिज्म दिए गए और आप फोल्ड कर सकते हैं। ये इसका हार्ड टॉप प्लेटफॉर्म है जो कि बोल्ट के द्वारा इसमें जोड़ा गया है और उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। और एक इसमें आपको सॉफ्ट टॉप मिलेगा जो कि बहुत ईजिली आपको उसमें कुछ अटैचमेंट्स दिए गए उनको आप कहीं पर भी हटा सकते हैं। डोर्स की बात करेंगे तो अगेन डोर्स का जो रियर का डिज़ाइन है ये आपको एक टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है यहाँ पर और इसमें आपको न्यूमेटिक स्टड्स दिए गए हैं दोनों साइड, डिफॉगर्स दिए गए हैं, इसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन यहाँ है। जैसे ये थार को 2 सेटस में लाया गया है जो इसकी AX ऑप्शनल जो AX ट्रिम है उनमें आपको 6 सीटर लेआउट मिलता है जो कि साइड फेसिंग सीट्स के साथ आता है और ये इसके LX में आपको टोटल 4 सीट लेआउट दिया गया है, ऐसा कुछ इसमें पूरा सेटअप दिया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड डिज़ाइन में से कहूँगा और लेदरेट और कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिया गया, अभी बात करेंगे उसकी। और से जो कार्गो कैपेसिटी की बात करेंगे तो इतना कुछ आपको इसमें कार्गो वॉल्यूम महिंद्रा अभी देने की कोशिश कर रही है। दो आपके इसके में बैग्स इजीली आ जाएंगे। डोर्स इसके 2 स्टेप में ओपन होते हैं। रियर में आपको पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है डिज़ाइन के कारण और 18 इंच का एक स्पेयर व्हील आपको देखने को मिलता है। नीचे आपको अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स दिए गए और रियर का जो आप इसमें अप्रोच एंगल देख रहे हैं ये भी आप 36-37 डिग्री के आसपास देख पा रहे हैं और जो कि काफ़ी है इस गाड़ी के हिसाब से। 57 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें दिया जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं ये 57 लीटर का फ्यूल टैंक है और 10 लीटर का आपको इसमें डीजल एग्जॉस्ट फ्लूट के लिए दिया गया है।
देख सकते हैं, ये 10 लीटर का है और ये लगभग आपकी गाड़ी को 500 किलोमीटर अगर आपकी गाड़ी चलती है तो ये 1 लीटर कंज्यूम होने वाला है और सर्विस के टाइम महिंद्रा की सर्विस टीम ही आपका ये वहाँ चेंज कर देगी, तो आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपसे ग्लोबल NCAP की भी कुछ डिटेल्स इसकी शेयर करता हूँ। जब उनने इसका टेस्ट किया तो पहले तो इसका फ्रंट ऑफसेट फ्रंटल टेस्ट करा, जहाँ पर इस गाड़ी को उतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं मिल पाई जितना इस गाड़ी ने साइड इम्पैक्ट के लिए अपना टेस्ट दिया, और ESC एक इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम की भी उन्होंने टेस्टिंग की थी। अगर इस ये फ्रंटल इम्पैक्ट में भी उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाती तो ये गाड़ी को 5 में से 5 स्टार की एनकैप रेटिंग मिलती, जो कि अपने में एक बेंचमार्क क्रिएट हो जाता है। जो आप इसके OVMs को भी देखेंगे ये भी आपको काफ़ी बड़े मिलते हैं, और जो टर्न इंडिकेटर है इनको यहाँ प्लेस किया गया फेंडर में, और OVM में आपको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया, जिससे ये गाड़ी को थोड़ा रफ एंड टफ बनाने की कोशिश की गई है। कल के दिन अगर आपका ये पार्ट टूट भी जाता है तो आप इस गाड़ी के सेपरेट चाइल्ड पार्ट्स को ले सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जो आप इसका डोर्स देख रहे हैं ये सारे रिमूवेबल है, यहाँ पर आपको जो हिंजेस दिए गए हैं इनको आप खोलिए, ऑन द वे अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो इनको हटा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा ने जो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है इस चीज़ में से, सिवाय जो मिरर को एडजस्ट करने के लिए दिया गया है, ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है, मैनुअली फोल्ड करेंगे, एडजस्ट करने के लिए दिया गया जस्ट, और उसकी कपलिंग को आप हटा सकते हैं, इलेक्ट्रिक कपलिंग आपकी जाती है वो आपकी हट जाएगी, और ये डोर आप हटा सकते हैं इस साइड का भी उस साइड का भी। तो ग्लोबल NCAP ने एक चीज़ और बताई कि ये गाड़ी ने ड्राइवर और पैसेंजर की चेस्ट को काफ़ी अच्छा, नेक है उसको भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया, हेड को भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया, और नी देखेंगे ना आप जो ये स्पेस है काफ़ी ऑप्टिमाइज किया गया है महिंद्रा की टीम के द्वारा, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। तो जो जब इसका कोलिजन हुआ तो जो डमीज थे उनमें नी एरिया में भी काफ़ी अच्छी खासी एक प्रोटेक्शन देखने को मिली, बट एक ट्विस्ट पॉइंट यह आ गया कि जो इसका फुटवेल एरिया था वहाँ पर थार थोड़ी सी पीछे रह गई, उससे आपको कोई भी सीरियस इंजरी नहीं होने वाली है, बट हाँ अगर ग्लोबल NCAP इसको 5-स्टार रेटेड दे रही है तो उस लायक डिज़ाइन भी वो मांगती है, जैसा कि XUV300 में आपने देखा, आपकी नेक्सॉन में देखा, एल्ट्रॉज में देखा। अब ये गाड़ी में जैसा आपको रोल केज मिलता है पूरा, बेस मॉडलों में नहीं मिलेगा, टॉप मॉडल में आपको रोल केज दिया गया है, तो उसने भी काफ़ी एक बड़ा भूमिका निभाई इस गाड़ी की साइड इम्पैक्ट के समय में, जहाँ इस गाड़ी ने फुल ऑन फुल एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है जो इसकी टेस्टिंग की गई थी। मेरा हेडरूम आप देख सकते हैं, शोल्डर रूम आप देख पा रहे हैं, और कैबिन में स्पेस काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। महिंद्रा ने जब स्टार्टिंग में इसको बताया था तो कहा था कि जो इसके सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं ये आपके हल्के फुल्के एक वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि IP65 रेटिंग को ये फुलफिल करते हैं, यानी कि अगर आप इसके टॉप को हटा देते हैं और हल्की फुल्की बारिश होती है या फिर आप ऑफ रोड करने के बाद हल्का गीला कपड़ा इसमें मारते हैं तो ये आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को डैमेज नहीं होने वाला है। स्टीयरिंग की अगर आप बात करेंगे तो ये आपको सिर्फ टिल्ट का फंक्शन देता है, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं दिया जा रहा है, और की मैं आपको स्टार्टिंग में इसकी बता देता हूँ, ये इसकी की दी गई है, जैक नाइफ की आपको मिलेगी, लॉक अनलॉक और ये एक अलर्ट सिस्टम इसमें दिया जाता है, जैक नाइफ की आपको मिलेगी, टायर का रोटेशन कहाँ है ये भी आपको बता देगा ये, और स्पीडोमीटर यहाँ है, और काफ़ी वेल लिट लगता है, काफ़ी अच्छा खासा है। स्टीयरिंग आपको इसमें सर्कुलर देखने को मिलेगा, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ देखिए, ऐसे कुछ क्रूज कंट्रोल भी इसमें आपको देखने को मिलता है वो आपको यहाँ प्लेस किया गया। हॉर्न की बात करें तो डुअल पिच हॉर्न दिया गया, काफ़ी मस्कुलर काफ़ी सही लगता है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलता है इसमें देख सकते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए आपको इसमें दिया गया है, हिल असिस्ट का फंक्शन आपको इसमें मिलता है, तो काफ़ी सारे फंक्शन है। सेफ्टी के मामले में तो थार कहीं भी पीछे नहीं रह रही है, 7 इंचेस के आसपास आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, सर्कुलर आपको AC वेंट्स दिए गए, क्रोम का अच्छा खासा आपको डिटेलिंग है, पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। नीचे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर सारे AC के कंट्रोल्स दिए गए। एक चीज़ और ख़ास इसमें यह है कि आप पैसेंजर एयरबैग को इसमें बंद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे उसका क्या फ़ायदा है, अब मान लीजिए आपके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि एयरबैग सेफ नहीं है, तो उस मामले में आप इस फंक्शन का यूज़ करके एयरबैग को बंद कर दीजिए, वहाँ उसका की सिस्टम दिया गया है, सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखा गया और यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पर इसका 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जिसमें आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव प्लस माइनस आप अपने अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये इसका 4x4 के ट्रांसमिशन का आपको नॉब दिया गया है, जिसमें सेकेंड हाई, 4 हाई और न्यूट्रल और 4 लो का ऑप्शन दिया गया है। महिंद्रा आपको एक फंक्शन और दे रही है कि जैसे मान लीजिए आप थोड़ा रफ ट्रेन में चल रहे हैं और आगे चल के थोड़ा सा ट्रेन और स्मूथ हो जाता है तो आप सीधे सेकंड हाई से 4 हाई में शिफ्ट कर सकते हैं ऑन द गो, आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको कुछ इसका पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं दोनों साइड, और स्टार्ट करके आप देखेंगे
इंजन काफ़ी रिफाइंड हो चुका है। ये इसका 2.2 लीटर का एमहॉक सीरीज़ का डीजल इंजन है। मेरे नोन में एक दो लोगों ने इसकी डिलीवरी ले ली है और उनका कहना ये है कि ये डीजल इंजन काफ़ी साइलेंट हो चुका है और इसमें थोड़ा सा ट्रेडिशन को बनाए रखने के लिए महिंद्रा ने अपने लैचेस को अभी भी बरकरार रखा है। थोड़ा सा आपको इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत है और ये ऊपर उठ जाता है। ये इसका 4 सिलेंडर का डीजल इंजन है जो कि 2.2 लीटर 2200 सीसी का डीजल इंजन है। ऑल एल्यूमिनियम कंस्ट्रक्शन के साथ आता है। ये इंजन आपने स्कॉर्पियो में देखा जो कि 140 हॉर्स पावर बनाता है। 5W में भी देखने को मिलता है जो कि जस्ट अभी यहाँ आप देख सकते हैं। जिसकी ड्राइव लाइन है ये पीछे जाती है प्रोपेलर शाफ्ट और उसके अकॉर्डिंग ये अपना पावर ट्रांसमिट करता है। बीच में आपको ट्रांसमिट केस इसमें देखने को मिलता है। माइलेज के मामले में ये इंजन आपको 13 से 14 का माइलेज काफ़ी इजीली दे देगा सिटी ड्राइविंग में और अगर आप थोड़ा ऑफ रोडिंग में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये आसानी से 10 से 12 का माइलेज दे देगा और हाईवे में तो काफ़ी लोग इसको 18 का माइलेज भी दे रहा है ये कुछ कह पा रहे हैं। और एसी की परफॉर्मेंस भी इसमें अच्छी खासी दी गई है। दोस्तों एक चीज़ आप और देखेंगे, रेडियो एंटीना को काफ़ी अलग तरीके से प्लेस किया गया, साइड में प्लेस किया गया और यहाँ पर कुछ दिया गया है। चलिए अब हम चलते हैं इसकी सेकेंड रो की सीट्स की और यहाँ से और इसका पीछे का रास्ता यहाँ से दिया गया है। और अगर आप इंग्रेस इग्रेस की बात भी करेंगे तो गाड़ी थोड़ी ऊंची है। ज़रूर अगर आप एक नॉर्मल कार से इसमें अपग्रेड करते हैं तो आपको थोड़े दिनों में लगेगा कि गाड़ी काफ़ी ऊंची हो गई है, बट ऐसा एज सच आपको दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है इंग्रेस इग्रेस के मामले में। इसमें अगर बैठ भी जाता हूँ तो थोड़ा सा आपको बोल्ड होना पड़ेगा और एक झटके में बैठने की कोशिश करनी होगी। पीछे जाने के लिए आपको यहाँ पर इसमें एक लैच दिया गया, इसको आपको पहले सीट को इतना रिक्लाइन करना होगा और ये और फंक्शन देख के थोड़ा सा इसको आगे शिफ्ट करके और ये कुछ पैसेज बन जाता है सेकंड रो में जाने के लिए। ये पैसेज आप देख सकते हैं, पैसेज काफ़ी नहीं है। अगर आप एल्डरली पैसेंजर से आपके घर में मान लीजिए आपके पिताजी है माताजी है तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट अगर यंग लोग हैं वो काफ़ी ईजिली जाएंगे इसमें। मैं आ गया हूँ इसके अंदर और आपको अपने ही हाथों से थोड़ा सा आइडिया लगाना होगा और इसको ये आप देख पा रहे हैं मेरे कुछ हेडरूम को शोल्डर रूम को। और स्पेस के मामले में 2 सीट्स आपको दी गई है, ये एक 4 सीटर वेरिएंट है तो 4 लोग इसमें अगर चले तो काफ़ी अच्छा है। और पीछे एक छोटा बच्चा आ सकता है, 10 साल 8 साल के हिसाब से बच्चा इसमें आ जाएगा। फ्रंट का डैशबोर्ड आप देखेंगे। स्पीकर्स की बात करेंगे तो रूफ माउंटेड स्पीकर्स इसमें दिए गए और काफ़ी यूनिक है इस सेगमेंट के हिसाब से। LED में आपको लाइट्स दी गई है इसमें। एक्सपोज्ड मेटल्स आपको काफ़ी जगह में इसमें देखने को मिल सकते हैं जो कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा अगर आप पीछे बच्चों को बैठा रहे तो। मेटल कंपोनेंट्स काफ़ी है पीछे और रोल केज देखिए साइड इंपैक्ट जब ग्लोबल NCAP ने इसका किया था तो इसी रोल केज के कारण ये गाड़ी काफ़ी स्टेबल रही थी। अगर आप बात करते हैं थार के रियर की लगेज स्पेस की तो आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि आप इसमें 2 छोटे बैग्स को रख सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप सीट्स की बात करेंगे तो ये आपकी फोल्डेबल मिलती है जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग सा है कि 50-50 आपको फोल्ड मिलेगी। अभी वो सीट्स काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं इसलिए वो पूरा नीचे नहीं जा रहा है, बट आपको एक सॉर्ट ऑफ फ्लैट बेड मिल जाता है। ये दोनों सीटें आगे जाएंगी ये देखिए और ऐसे ही सिमिलर फैशन में वो बगल वाली सीट्स भी आपकी पीछे चले जाती है। दोस्तों तो आज आपने देखा कि महिंद्रा थार में आपको क्या ऑफर किया गया है, कितनी सेफ साबित होती है थार आपके लिए। ग्लोबल NCAP ने आपको बता दिया है कि ये 4-स्टार NCAP रेटिंग के साथ आती है और इसके लॉन्च से पहले ही महिंद्रा का कहना ये था कि इन्होंने इसमें 3rd जनरेशन की चैसी यूज़ करी है जो कि ऑलरेडी अपने इन हाउस जो इनका चेन्नई में प्लांट है, अपनी R&D डिपार्टमेंट है महिंद्रा का चेन्नई में, वहाँ इन्होंने 55 KMPH के आसपास इसकी टेस्टिंग की हुई थी इसकी चैसी की, जो कि पहले से उन्हें पता था कि ये गाड़ी काफ़ी सेफ साबित होने वाली है। और एक गुड न्यूज़ और हमारे सामने आती है कि महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो इसी प्लेटफॉर्म पे लाने वाला है आपके लिए बॉडी ऑन फ्रेम, तो वो भी एक ऐसे ही 4-5 स्टार NCAP रेटिंग के साथ आपके साथ आएगी। तो जो ग्लोबल NCAP का गोल है कि 2030 तक जो रोड में जो एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर रोड में जो भी सीरियस इंजरीज होती है उनको हाफ करना है बिल्कुल, तो वो गोल में महिंद्रा टाटा और काफ़ी ऐसे ही सेफ मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आप बताइए कि आपकी थार के लिए क्या राय है। इसकी प्राइस डिटेल्स की शॉर्ट में आपसे शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे।